सर भाई उनको म्यूट कराइए, दीपी सिंह पहले उनको म्यूट कीजिए। धमकी दे सकते हैं आप, पहले आप उनको म्यूट कीजिए। नहीं अपने घर के लिए दाल रोटी होंगे, जो भी अपने घर के लिए होंगे। म्यूट कीजिए। देखिए नदवी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप 2 मिनट चुप रहिए, उसके बाद हम आपको मौका देंगे, प्रॉपर मौका देंगे हम। 2 मिनट बोलिए दीपी सिंह जी। संजय भाई, मैं बिल्कुल बहुत ही एक सम्मानित तरीके से संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को कहना चाहता हूं। हाँ। कि जो भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के साथियों ने जो पत्र लिखा है, मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं। जी राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, और सबसे बड़ी चीज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल विश्वविद्यालय होता है, उस सेंट्रल विश्वविद्यालय का मुखिया राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ये वो और विश्वविद्यालय का सबसे सम्मानित सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम जो है छान समारोह होता है, ये वो हो रहा है। और इस तरीके से जो जो भी वहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई लोग या वहाँ छात्र संघ के लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, हम समझते हैं कि समाज में एक गलत संदेश देने का काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित तरीके से काम कर रहे हैं। मैं एक स्पष्ट तरीके से संजय भाई कहना चाहता हूँ, आपकी बात से हालात में बन चुके हैं देश में, जो हालात ये देश भी साहब रुकिए अभी आएंगे देश में जो हालात बन चुके हैं देश में संजय भाई जो हालात बन चुके हैं वो बहुत ही भयावह है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और संघ की मानसिकता और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस देश के लोकतंत्र को इस देश के संविधान को खत्म करके एक नाजी हुकूमत करना चाहते हैं, एक पुराने ढर्रे पे लेकर के जो है देश को आना चाहते हैं, बड़ व्यवस्था ये अलग मुद्दा है, लेके आना चाहते हैं ये अलग मुद्दा है। और देश के मुख्य यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष वही होता है, खुद अध्यक्ष को आने की अनुमति नहीं दी जा रही, उसका विरोध किया जा रहा है, ये कहां तक उचित है? बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल इसका पहले ही मैं संजय भाई कहा, कांग्रेस पार्टी इसका खंडन कर। सर्वेश द्विवेदी जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात हमने सुन ली। सर्वेश द्विवेदी जी आप संघ विचारक हैं, और अमूमन जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है पहले कहीं